हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं हूं आपका एजुकेटर वीरेंद्र सिंह। आप जुड़े हुए हैं ईलर्नम के यूट्यूब चैनल के साथ। टॉप 100 टॉपिक्स फॉर डीबीटी जेआरएफ हम लर्न करने वाले हैं। क्या बात है। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी फॉर वन मंथ, नाउ दिस इज टॉप 100 टॉपिक्स फॉर डीबीटी जेआरएफ। हियर लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि वो टॉप 100 टॉपिक्स क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके अलावा जो है ई लर्नम क्रैश कोर्स लेके आ रहा है, और अगर आप मुझसे CSIR पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, इस मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप DBT GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DBT GRF को प्रिपेयर करने के लिए आपको स्पेसिफिक जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ पीपल्स आर टेकिंग टेंशन, वो जो है ना टेंशन ले रहे हैं, ये वो फलाना ढिंकाना एंड ऑल। गोइंग टेंशन लेने की बजाय दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। यू लाइक इफ यू टेकिंग टेंशन समथिंग लाइक दैट, नो, जस्ट डू एंड सॉल्व PYQs। अगर पिछले DBT के 2015 से लेके 2020 तक के आए हुए PYQs भी ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट करीब करीब आपके पास, अगर इतना ढंग से सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास करीब करीब 500 से 600 कॉन्सेप्ट्स जो है, क्या बोल रहा हूँ मैंने, 500 से 600 कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे। अगर 500 से 600 कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो गए ना, तो इससे जो अभी DBT JRF का पेपर आएगा इसमें जो है वो ऑलमोस्ट आपके 500 से 600 कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक में पार्ट ए में 50 क्वेश्चन का 50 कॉन्सेप्ट, बी में अगर मैं सिर्फ 50 ही बोलूँ बाकी छोड़ भी दूँ तो 100 कॉन्सेप्ट तो पक्का क्लियर होने वाले। वैसे तो पेपर जो है वो 200 क्वेश्चन का होता है, बट स्टिल आप जो है आपका 100 कॉन्सेप्ट एक पेपर से निकलने वाला है, तो मिनिमम इसकी वजह से आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं 500 से 600। अब अगर 500 से 600 DBT JRF 221 की बात करूं तो इससे जो है आपको करीब करीब जो है, ठीक है ना, 50 to 60 कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उससे। कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीटेशन इज़ लाइक कई लोग क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन रिपीटेशन, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट रिपीटेशन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की रिपीटेशन होती है, हर एग्ज़ाम में होती है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप उनके कॉन्सेप्ट का ध्यान जरूर रखिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो आपको 100 में से 50 से 60 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल जाने वाला है, यानी 50 से 60 क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो आपका एफर्ट शो करेगा। तो अब इसके लिए लेके जाइए आप इतने क्वेश्चंस के लिए जो है, अगर आप CSIR कर रहे होंगे तो आपका बेसिक्स वर्क किया रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट पुट करिए और करिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से, इवन 500-600 में से आपको इससे ज़्यादा भी रिपीटिशंस मिल सकती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिपीटिशन इन DBT JRF एग्जामिनेशन। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम PYQs। उसी चीज़ से एनालाइज करके मैंने आपसे टॉप 100 टॉपिक्स लेके आया हूँ। पिछले करीब करीब 5 से 7 ईयर्स के जो पेपर हैं, इन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो कि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। आपको स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट एंड बीटा टर्न क्लियर होना चाहिए अमीनो एसिड में। रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखे रहिएगा, लर्न करते रहें तो बेहतर है आपके लिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABZ DNA इन सब के क्लासिफिकेशंस, डेल्टा GH डेल्टा S इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। pH आयनिक स्ट्रेंथ एंड बफर का कॉन्सेप्ट जो है पता हो। रेट ऑफ रिक्वेशंस, रेट कांस्टेंट कैसे मेजर करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज़ आपको पता हो। माइकलिस मेंशन कांस्टेंट, इनिबिशंस, ये सारे एंजाइम्स के बारे में, और एंजाइम्स में एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, फोल्ड प्योरिफिकेशन एंड रिकवरी परसेंटेज। अगर बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसको कि हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो दीज आर द की पॉइंट्स जिनको कि आपको पता होना चाहिए। ये जो है की टॉपिक्स, इनको ध्यान रखोगे
तो आपके पास ये टोटल 7 टॉपिक्स यानी 2 दिन में आपको कवर अप करना है, ठीक है। आराम से कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली लर्नर हैं तो। इसके अलावा जो होता है दैट इज़ लाइक मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है प्रोबेबिलिटी का, बायनोमियल पॉइजन गॉसियन कैसे होता है, क्या है इसके बेसिक्स के बारे में, क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये चीज़। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेटिव और एसडीएस पेज में कैसे मॉलिकुलर वेट, इन सब के रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस ध्यान रखना, मॉलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीयर लैम्बर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल ऑफ सीडीआईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनका फंडामेंटल क्या है और इनका अप्लीकेशन क्या है। उसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूगेशन में जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सरे और एनएमआर के बारे में जानना पता है, और माइक्रोस्कोपी में कुछ माइक्रोस्कोपी के बारे में जान लीजिए। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जो कि डीबीटी जीआरएफ स्पेसिफिकली टारगेट करके पूछता है, ये 15 टॉपिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ लाइक अगर सेल बायोलॉजी के ऊपर बात किया जाए, तो इन द केस ऑफ सेल बायोलॉजी लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपके पता होनी चाहिए। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं यू हैव टू नो। फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनलीज, ये पता हो आपके लिए। इसके अलावा जो क्रोमोजोम क्रोमेटीन हेट्रोक्रोमेटीन इन सब का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो क्लियर होना चाहिए। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चीज़ें ध्यान रखिए। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस की बेसिक्स पढ़ लीजिए। एंड कैंसर के केसेस में कुछ जीन्स जो प्रोटो ओंको जीन्स, ओंको जीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये चीज़ें क्या हैं वो ध्यान रख लीजिए, सेल बायोलॉजी में है। इसके बाद आपके आता है सेलुलर प्रोसेसेस, जिसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग तीनों निकाला गया। तो दिस इज लाइक इन सेलुलर प्रोसेसेस रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये सब जो है आपको ध्यान देना है। ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशंस, ये सारी की सारी मॉलिकुलर बायोलॉजी का फंड है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग GPCR RTK RAS MAPK सेल एडेशंस MSC मोलिक्यूल्स, ये सारे टोल लाइक रिसेप्टर्स सेल मेडिएटेड रिसेप्टर्स, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। लाइक सेलर सेल सिग्नलिंग इज हियर, जहाँ पे आपने देखा सेल सिग्नलिंग है, सेल एडेशन है मॉलिक्यूल्स MSC मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, टोलाइक रिसेप्टर्स किसका क्या फंक्शंस है एंड मार्कर्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि सेलुलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा RDT के टेक्निक्स भी आएगी, एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, PCR के बारे में कैसे आप मैपिंग करते हैं वो चीज़ें, ये DNA पॉलीमॉर्फिज्म में RAPD RFLP FLP के टेक्निक्स के बारे में, ये चीज़ें जो हैं आपके पास अपीयर होंगी। आफ्टर दैट देयर इज़ लाइक जेनेटिक फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आएगा, कोडोमिनेंस डोमिनेंस इन सब से आ सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस इज ऑल्सो देयर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, लिंकेज मैप के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, म्यूटेशंस के ऊपर बन सकता है, QTL मैपिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आप बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये 100 टॉपिक्स आपको उसी जो मैं 500 से 600 टॉपिक्स बोल रहा हूँ, सब टॉपिक्स वो 500 से 600 टॉपिक्स इन्हीं कहीं कहीं ना इन्हीं में इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एंड IPR एंड बायोसेफ्टी बायोथिक्स का केस बनता है। ये जो थे सेक्शन ए के लिए स्पेसिफिक थे, जो मैंने बताया ये सारे सेक्शन ए के लिए थे, यानी जनरल बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन है। ये सेक्शन ए के बाद जो है जनरल बायोटेक्नोलॉजी आपके सेक्शन बी में भी आता है, बट स्पेसिफिक ब्रांचेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसमें भी देखोगे तो जब बहुत सारे टॉपिक्स जो है सेक्शन ए से कॉमन मिल देंगे, जैसे आप देखोगे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड ऑल, हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट, ये चीज़ें, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये पार्ट यहाँ पे भी है, ये बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ट्रांसलोकेशंस, ये चीज़ें जो होती हैं ये प्लांट का स्पेशलाइज सेक्शंस का है। एग्रोबैक्टीरियम का मैकेनिज्म RDT का पार्ट है। इसके अलावा जो RFLP RAPD FLP ये जो है सोमैटिक हाइब्रिड्स, ये सब यहाँ के पार्ट है। सो दे आर लाइक ये टेक्निक्स के भी पार्ट है और यहाँ पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर देखो कि वायरसेस क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो भी इम्यूनो का पार्ट है। देन देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कपल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये जो है बायो प्रोसेस के पार्ट है, ग्रोथ काइनेटिक्स एंड सब्सट्रेट यूटिलाइजेशन, फेड बैच रिएक्शन, ये सब जो है अप्लाइड बायोलॉजी बोल सकते हैं CSIR में, उन सब का पार्ट है। बायोरिएक्टर का बैच, फेड बैच, प्लग फ्लो एंड कंटीन्यूअस एंजाइम रिएक्टर्स, स्टरलाइजेशंस, मास ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, एक्सट्रैक्शंस, स्केल अप एंड स्केल डाउन, ये कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है बायो प्रोसेस के, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी कुछ पूछा जाता है। आफ्टर दैट लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज देयर, जिसमें सिक्वेंस डेटाबेस,
कीवर्ड्स टूल्स जैसे एंट्रेज एस आर एस एंड ऑल, सिक्वेंस सिमिलैरिटी आइडेंटिटी सिमिलैरिटी ये सारी चीज़ें हैं, स्कोरिंग मैट्रिसेस पेयर वाइज सिक्वेंस अलाइनमेंट मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट ये सारी चीज़ें हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलुसिडिएशंस है यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा क्यू सी आर टेक्निक्स इज देयर। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है, कैसे आपको चीज़ों को लेके जाना है। देन इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, जहाँ पे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बायो ऑगुमेंटेशन बायो स्टिमुलेशन बायो डिग्रेडेशन बायो जॉब्सन बायो फिल्म्स बायो रिमीडिएशन ये क्या क्या है, इनका क्या मतलब है, इन सब के बारे में, बायो सर्फेक्टेंट्स बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स ये सब बेसिक्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स और इनका मतलब क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में कुछ आपके जो होते हैं फार्माकोलॉजी से होंगे, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स के ऊपर बात की जाएगी आता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात किया जाता है, फ्लू साइटोमेट्री है, एंटीसेंस थेरेपी है, ये सब आपके फार्माकोलॉजी में। सो देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट कह सकते हैं कि 90 टॉपिक्स जो हैं ये आपके स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के, और बाकी 10 टॉपिक जो है जनरल एप्टीट्यूड का है, नंबर सीरीज ट्रेन का, डायरेक्शन वर्क एंड टाइम एलिगेशन एंड मिक्सचर रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोबेबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये 10 टॉपिक आपके जनरल एप्टीट्यूड के, अगर इतना भी ध्यान रखते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड भी क्लियर है। सो दिस इज़ योर टॉप 100 टॉपिक्स फॉर डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन, जो कि मैंने डिस्कस किया है। इन पर्टिकुलर चीज़ों का स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, सर्च करिए आप टेलीग्राम ग्रुप ई लर्नम ऑन टेलीग्राम, यू विल फाइंड एंड आई विल शेयर द पीडीएफ सेम। बट द कंडीशन इज गाइस कि आप इन सब टॉपिक्स को पढ़िए, आपके पास 100 टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 टॉपिक पर डे का टारगेट बनाइए और पढ़िए। अब अगर आप पहले से कुछ टॉपिक पढ़े हैं तो अच्छी बात है, जैसे कई लोग पढ़ चुके होंगे जो मेरे से पढ़ रहे हैं या सी एस आई आर अन अकेडमी एंड ऑल पे, सो दे कैन लाइक कि हाँ भैया जी बायोएनर्जेटिक्स पता है, पीएच पता है, ये सारी चीज़ें पता है, तो यू कैन लर्न, आप आराम से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को अपने टारगेट को मैनेज करते हैं, एक महीना इनफ है लेकिन आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ये मैटर करता है। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे डिस्कस करूँ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका ही कमेंट बॉक्स डिसाइड करेगा कि मैं जो है आगे कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अनअकैडमी पे जुड़ना है तो रेफरल कोड वीरेन का यूज़ करिएगा। बाय बाय। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं, जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ, देखिए वीरेन सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।